दोस्तों आज हम एक लक्षण के ऊपर चर्चा करते हैं जिसको कहते हैं मैलिना मैलिना का मतलब है स्टूल से यानी कि गुदा मार्ग से क्लोटेड ब्लड का या ब्लैकिस ब्लड का निकलना यदि फ्रेश ब्लड यहाँ से आ रहा है तो उसको हिमेटोचेजिया या ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम सामान्य भाषा में कह देते हैं लेकिन यदि वह ब्लड क्लोटेड है काला है डार्क है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो नाम होता है वो मैलिना होता है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि इस प्रकार का जो ब्लड है वो पेट के निचले हिस्से में करके पेट के ऊपरी हिस्से में जो इसोफेगस स्टमक इस और छोटी आंत ड्यूडिनम जेजुनम इनसे ज़्यादा आता है यदि लेजन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो यूजुअली वहाँ से जो है वो फ्रेश ब्लीडिंग आएगी यानी कि रेड कलर का ब्लड आएगा ये बात ध्यान देने वाली है साथ ही साथ इस टूल का कलर कुछ अन्य कारणों से भी चेंज हो सकता है तो हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये जो कलर चेंज हो रहा है स्टूल का जिसको कि ब्लैकिश या थोड़ा सा डार्क हम कह सकते हैं ब्लैकिश भी कह सकते हैं और ब्लैकिश रेड भी कह सकते हैं क्लोटेड ब्लड के कारण से कुछ अन्य कारण भी होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन कंजम्पशन जब हम आयरन कंजम करते हैं या उसकी किसी फॉर्म लेते हैं कोई ड्रग लेते हैं कोई मेडिसिन लेते हैं तो स्टूल का कलर वो ब्लैकिस हो जाता है साथ ही साथ रेड वाइन में भी ऐसा देखने को मिलता है ब्लैक चेरी में भी इस प्रकार सा देखने मिलता है जामुन बहुत खाने से भी इस प्रकार से कलर चेंजेस ये तो नॉर्मल है तो यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया है वो रहा है उसका ब्लड लॉस हो रहा है उसका हीमोग्लोबिन डाउन जा रहा है तो उसको इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहीं शरीर में उसका ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है यदि लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड आएगा तो वो फ्रेश होगा रेड होगा पता लग जाएगा लेकिन यदि वो क्लोटेड ब्लड आ रहा है तो क्या करना चाहिए कि स्टूल का एग्जामिनेशन कराना चाहिए कि वहाँ पे ओकल्ट ब्लड या आर उसमें डिटेक्ट हो रही हैं ब्लड जितना इंटेस्टाइन में ऊपर वाले भाग से यानी कि इसोफेगस स्टमक इस ड्यूडिनम या जेजुनम से निकलेगा वो उतना ही डार्क होगा क्योंकि वो धीरे 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 रिसर्व करता है और वहाँ तक आते आते उसमें क्लोटिंग मेकेनिज्म डेवलप हो जाती है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है यदि ऊपर के भाग से बहुत तेजी से ब्लीडिंग होगी तो वो मेलिना ना होकर के वोमिटिंग के रूप में आएगा जिसको हम हिमेटी कहते हैं लेकिन यदि ब्लीडिंग बहुत स्लो है बहुत धीरे धीरे वो हो रही है तो वो यूजुअली वोमिटिंग नहीं होगी उसमें और वो नीचे इंटेस्टाइन में चली जाएगी और नीचे इंटेस्टाइन में जा करके वो ब्लड क्लोट हो जाएगा और क्लोट होने के बाद वो ब्लैक कलर का हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम मेलिना कहते हैं तो यदि किसी को इस प्रकार की कंडीशन होती है तो उसको ये देखना होगा कि ये जो ब्लीडिंग का सोर्स है ये कहाँ है क्या कोई स्टमक में जो कॉमनेस्ट इसका कारण होता है वो होता है पैप्टिक अल्सर तो पैप्टिकल्सर का मतलब होता है स्टमक या ड्यूडिनम में होने वाले अल्सर ये जो अल्सर होते हैं ये लंबे समय तक चलते रहते हैं कभी एक्यूट हो जाते हैं क्रोनिक हो जाते हैं और इनमें से ब्लीडिंग होना एक लक्षण होता है और वो ब्लीडिंग होने से जो है धीरे धीरे नीचे मेलिना डेवलप हो जाता है और पेशेंट्स ऐसे एनिमिक होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो काफ़ी कम हो जाया करता है और कई बार डिटेक्ट भी नहीं होता है तो इसलिए मेलिना के केसेस में हमको जो करना है वो ऊपर का जो एरिया है जिसमें ईसोफाइगस है स्टमक है ड्यूडीनाम है इसका एग्जामिन करना है आजकल तो अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी है सुविधा है तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में अंडर डायरेक्ट विजन यू जी आई एंडोस्कोपी करा करके हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसका पता लगा सकते हैं साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी यदि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और स्टूल का कलर चेंज हो रहा है तो हमको ये मेलिना सस्पेक्ट करना चाहिए तुरंत मल की जांच कराई जानी चाहिए यदि उसमें आर डिटेक्ट होती हैं तो अलर्ट हो जाना चाहिए और आगे की फर्दर जाँच कराना चाहिए एक कंडीशन में यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ मैंने सेपरेटली एक इस पर वीडियो बनाया हुआ है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में दे दूँगा वो है कार्सिनोमा सिकम जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन होता है उसको सिकम कहते हैं वहाँ पे कैंसर होने की वजह से भी केवल और केवल एनीमिया देखने को मिलता है बाकी और कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं तो यदि ऐसी कंडीशन किसी को होती है तो आ, सीकम को भी चेक करना चाहिए और आ, अपर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के साथ साथ यदि ऐसा कुछ सस्पेक्ट होता है तो लोअर कोलोनोस्कोपी भी की जानी चाहिए तो आशा है मेलिना के बारे में जो बातें मैंने वही वो आपकी समझ में आई होंगी थैंक यू वेरी मच